I guess I'm just a play date to you. तो आज मैं इंस्टाग्राम शॉर्ट वीडियोस काइन मास्टर से बनाने वाला हूँ। सो आप देखो पूरा प्रोसेस कैसा किया है मैंने। सो आप फोल्डर में जाके सब वीडियोस को एक साथ लाना है। सो सब ऐसा सब वीडियोस को आप सिलेक्ट कर लेना है, जिसको भी आपको चाहिए रहेगा वो आप सब वीडियोस को सिलेक्ट कर लेना है एक बाय एक। फिर मैं उसका आगे बताता हूँ प्रोसेस एडिट कैसा करना है उससे, और शेकी वीडियो टाइप कैसा बनाना है। सो अभी हम एक वीडियो लेंगे ऑगी का, और उसका ना ऑडियो हम लोग नीचे से ये कर देंगे और ऑडियो एक्सट्रैक्ट कर देंगे। सो ये ऑडियो एक्सट्रैक्ट हो गया हमारा, और उसके बाद अभी जो बीट से उसके हिसाब से हमें म्यूजिक को वीडियोस को बनाना है बीट के हिसाब से। सो अभी ये वीडियो है पूरा, आप देख लो। आपने वीडियो देखा होगा ये, उसके फिर अपने को बीच के हिसाब से कट करना है। अभी मैं वीडियो को सुन रहा हूँ, और अभी जहाँ पे बीच चाहिए अपने को, मतलब बीच जहाँ पे बज रहा है वहाँ पे आप कट कर लेना है, मतलब ड्रीम कर लेना है। कैची वाला ऑप्शन से थर्ड ऑप्शन पे जाके अपने को ड्रीम करना है, और फिर वापस से एक बार प्ले करके देखना कि सही है कि नहीं उस साइड। सो हम अभी फास्ट और स्लो भी कर सकते हैं उसमें वीडियो को। सो अभी ये वीडियो इतनी हो गई है हमारी। उसके बाद हमें वो बीच वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक करके अपना नेट ऑन करके नीचे स्लाइड कर लेना है। सो एक मिनट रुको। सो नीचे स्लाइड कर लेना है, और गेट मोर पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। वहाँ पर आपको इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, एक्शन पे जाना है, और उसके बाद अपने को स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करना है और अपने को देखना है शेकिट का इफेक्ट कहाँ पे। सो एक मिनट, मैं इफेक्ट देख रहा हूँ, और ऊपर स्क्रॉल। हाँ, सो शेकिट का इफेक्ट मिल गया है। वो इफेक्ट को अपना आपको इंस्टॉल करना है, मैंने इंस्टॉल करके रखा है पहले से ही। सो वापस से उसमें ही जाना है, और नीचे देखना है शेकिट का इफेक्ट कहाँ पे। सो ये देखो, ये शेकिट का इफेक्ट है, और उसमें अपने को इफेक्ट ऐड कर लेना है। सो ऐसा वो इफेक्ट खिलता हुआ दिखेगा आपको, एक मिनट देखो ये। सो वैसे ही सब जगह पे आपको इफेक्ट्स ऐड कर लेना है धीरे धीरे करके। सो ये देखो, वैसे ही सेम आपको वहाँ पर भी करना है, नीचे स्क्रोल करके वो शेकिट के इफेक्ट पे आपको सेम वैसे ही प्रोसेस करना है जैसे मैंने कर रहा हूँ, और वैसे ही इफ़ेक्ट्स को ऐड करते जाना है। सो मैंने अभी सब इफ़ेक्ट्स को एक साथ ऐड कर लिया है, और उसको वो वीडियो को हमें ड्रीम करना है। तो ऊपर कैची के ऑप्शन पे सेकंड ऑप्शन पे जाके ड्रीम करना है। सो हमारा कुछ ऐसा वीडियो दिखेगा। अभी सेव कर लेना है ऐसा सेव 1080p पे, और अभी हमें प्रीक्विल में आना है। प्रीक्विल में आने के बाद वो वीडियो को ऐड कर लेना है वहाँ पे। सो सिंपली हम वीडियो को ऐड कर रहे हैं, उसके बाद अब हमें सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेकंड ऑप्शन इफेक्ट का है, और आपको नीचे स्क्रो बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिलेंगे। सो VHS करके बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो आप देखो ऑप्शंस, और उसमें से एक ऑप्शन आपको यूज़ करके आपको पूरा वीडियो बनाने का है। राइट कॉर्नर पे HD का ऑप्शन आ रहेगा, वहाँ से आपको वीडियो को सेव कर लेना है एक बार हो जाने के बाद।